यूपी में सियासी सुर्खियों में आए हरिशंकर तिवारी का परिवार गोरखपुर में शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इसके लिए 5 अगस्त की तारीख तय की गई है। इस दिन पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी की 89वीं जयंती है। जयंती का कार्यक्रम गोरखपुर के चुल्लू पार में होगा, जिसकी अध्यक्षता सपा के कद्दावर नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे करेंगे। गोरखपुर में विपक्ष के ब्राह्मण नेताओं के जुटान में सियासी गलियारों में 2 सवाल उठ रहे हैं। पहला, क्या इससे पूर्वांचल की राजनीति में कोई उलटफेर होगा? और दूसरा, अखिलेश यादव तिवारी परिवार को तहजीह देकर बीजेपी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे विनय तिवारी ने कार्यक्रम की रूपरेखा सोशल मीडिया पर शेयर की है। विनय के मुताबिक 5 अगस्त को पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी की जयंती को लेकर चुल्लू पार्क इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे करेंगे। कांग्रेस के कद्दावर नेता नकुल दुबे भी इस कार्यक्रम के अतिथि हैं। सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति रजनीकांत पांडे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनाए गए हैं। तिवारी परिवार इस कार्यक्रम के जरिए गोरखपुर में शक्ति प्रदर्शन करने में जुटा है। दिवंगत हरिशंकर तिवारी अभी उत्तर प्रदेश की सियासत में सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनके गांव टाडा में बन रही प्रतिमा को प्रशासन ने बुलडोजर करवा दिया। ये मुद्दा सड़क से सदन तक उठा। सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इस पूरी कार्यवाही को निजी खुन्नस में करवाने का आरोप लगाया। सदन के स्पीकर ने पूरे मामले को दिखवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद सदन में हंगामा शांत हुआ। अखिलेश यादव ने प्रतिमा के लिए बन रहे चबूतरे पर बुलडोजर चलने को मान सम्मान के साथ जोड़ दिया। अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर अब मान सम्मान पर चलने लगा है, जनता इसका हिसाब जरूर करेगी। पहले हरिशंकर तिवारी के मुद्दों को सदन में उठाना और फिर जयंती कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के जाने की खबर से सवाल उठ रहा है कि आखिर अखिलेश यादव हरिशंकर तिवारी के जरिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं? गोरखपुर और पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। तिवारी 7 बार के विधायक और यूपी सरकार में मंत्री रहे हैं। पूर्वांचल की राजनीति ब्राह्मण और ठाकुरों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। वर्तमान में दोनों ही समुदाय मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अखिलेश यादव तिवारी के जरिए ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर की स्थानीय सियासत में हरिशंकर तिवारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अदावतें भी काफी मशहूर हैं। कई बार हरिशंकर तिवारी के बेटे और उनके परिवार इन अदावतों का जिक्र भी कर चुके हैं। ऐसे में अखिलेश तिवारी परिवार के समर्थन में खुलकर बैटिंग कर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चेबंदी करने में जुटे हैं। यूपी के पूर्वांचल में स्थित महाराजगंज, गोरखपुर, संत कबीर नगर, देवरिया, बस्ती और सिद्धार्थ नगर में ब्राह्मण वोटरों का दबदबा है। इन जिलों में 17 से लेकर 25% और उससे ज्यादा तक ब्राह्मणों की आबादी है। इन जिलों में आबादी की करीब 40 सीटें हैं, जिसमें सपा को पिछले चुनाव में 6 पर जीत मिली थी। महाराजगंज की 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, बाकी के सभी सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। 1990 से लेकर 1910 तक हरिशंकर तिवारी इन वोट को लामबंद करते रहे। वोटों की इन्हीं लामबंदी के बूते तिवारी 1997 से 2007 तक लगातार यूपी सरकार में मंत्री रहे। इस दौरान यूपी में कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, मायावती और मुलायम सिंह यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2007 में तिवारी चुल्लुपार सीट पर बीएसपी के राजेश त्रिपाठी से हार गए। हालांकि 2009 में तिवारी परिवार ने जबरदस्त वापसी की। उनके बड़े बेटे भीष्म शंकर संत कबीर नगर से लोकसभा के चुनाव जीत गए। 2022 तक तिवारी परिवार का सदस्य किसी न किसी सदन का सदस्य रहा है, लेकिन 2022 में बीजेपी के उम्मीदवार ने चुल्लू पार से हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर को हरा दिया।